नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आलिया भट्ट को लेकर के इन दिनों सोशल मीडिया पर खबरें ये चल रही हैं कि आलिया भट्ट की कंपनी अब रिलायंस के पास जाने वाली है। जी हां, आलिया भट्ट एक्टिंग में ही नहीं बल्कि अपनी बिजनेस में भी काफी ज्यादा नाम कमा चुकी हैं, लेकिन अब उनका जो क्लोथिंग ब्रांड है वो रिलायंस के पास जाने वाला है। अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो 150 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन की ये कंपनी बताई जा रही है और खबर ये सामने आ रही है कि ये कंपनी अब जल्द ही रिलायंस 300 करोड़ रुपए में खरीदने वाली है। बता दें, एडमामा कंपनी जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, चाहे जिसमें बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं, कस्टमाइज किए जाते हैं और साथ ही बैग्स भी बनाए जाते हैं। हाल में ही आलिया भट्ट ने इसमें एक नए फैशन को जोड़ा है, मैटरनिटी ड्रेसेस को इसमें जोड़ा है और अक्सर आलिया भट्ट इसको लेकर के जो अपना प्रमोशन है वो अपने बिजनेस का करती रहती हैं। हाल में ही आलिया भट्ट ने अपने ड्रेस को लेकर के कई फोटोशूट करवाए थे जिसमें उन्होंने अपने ही कंपनी का ड्रेस पहना था। अब बताया जा रहा है कि उनका ये जो ब्रांड है वो रिलायंस के पास चला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।